मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश के 2.5 लाख अध्यापकों को दिया ये बड़ा तोहफा। अध्यापकों में दौड़ी खुशी की लहर। तो स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज़ में, मैं हूँ आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अध्यापक समाचार के विषय में, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश के 2.5 लाख अध्यापकों को दिया है ये बड़ा तोहफा। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, बना समय है, शुरू करते हैं आज का विषय, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दोस्तों, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अध्यापकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब अध्यापकों को शिक्षकों की तरह सभी सुविधाएं मिलेगी। राज्य सरकार ने अध्यापक संवर्ग का स्कूली शिक्षा विभाग में संविलियन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद अब अध्यापकों को शासकीय सेवकों की तरह वेतन भत्ते एवं सुविधाएं प्राप्त होंगी। अनुकंपा नियुक्ति व शासकीय आवास का भी लाभ मिलेगा। अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद अब पूर्व नियमों के अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग के सुसंगत पदों पर नियुक्त माने जाएंगे। अब प्रदेश में अध्यापक संवर्ग को मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 1 जुलाई 2018 से लागू माना जाएगा। भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षकों का मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के प्रावधान प्रभावशील होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। अध्यापक संवर्ग की लंबे समय से यह मांग चल रही थी, अब अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति के बाद शासकीय सेवकों की तरह वेतन भत्ते एवं सुविधाएं प्राप्त होंगी। अध्यापकों को 1 जुलाई 2018 की स्थिति में छठवें वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन के आधार पर उनका सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद उन्हें शासकीय सेवकों की सुविधाएं और सहूलियत मिलेंगी। अब अध्यापकों को नियमित वेतन पर शासन द्वारा समय समय पर शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। सभी शिक्षकों को जुलाई 2018 के अंतर्गत नियुक्ति दिनांक तक सातवें वेतन की एरियर राशि भी देय होगी। यह सुविधाएं भी मिलेंगी। दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1958 के प्रावधान के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। मध्य प्रदेश सामूह बीमा सह बचत योजना 2003 के संशोधन प्रावधान प्रभावशील होंगे। अध्यापकों के लिए वर्तमान में प्रभावशील राष्ट्रीय पेंशन योजना यथावत जारी रहेगी। शिक्षकों को अंशदान तथा शासन के अंशदान पूर्व प्रक्रिया अनुसार NSDL को प्रेषित किए जाएंगे। सभी शिक्षकों के एम्प्लाई डाटाबेस, पे डाटाबेस तथा पोस्ट डाटाबेस संचालक कोष एवं लेखा के सेंट्रल सर्वर पर संधारित किए जाएंगे। इस प्रकार समस्त शिक्षकों को वेतन भत्तों एवं अन्य स्वतत्वों को आहरण तथा कटौतियां संबंधित कोषालय के माध्यम से की जाएंगी। सुसंगत पदों पर नियुक्त किए गए शिक्षकों को शासकीय आवास आवंटित किए 2000 के प्रावधान के अनुरूप शासकीय आवास गृह के आवंटन की पात्रता रहेगी। मध्य प्रदेश शासकीय सेवक के समान गृह भाड़ा भत्ते का लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1977 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्ति, सेवा में रहने हुए मृत्यु होने पर अवकाश नकदीकरण की प्राप्तता होगी। भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षकों का शासकीय सेवा में रहते हुए निधन होने पर सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा तत्सम प्रभावशील अनुकंपा नियुक्ति की नीति के अनुसार उनके पात्र परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नीति अनुसार शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएंगे। इसके अलावा पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयान के प्रयोजन के लिए अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि का लाभ अधिकतम 10 वर्ष तक प्राप्त होगा। भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नियुक्ति यद्यपि नवीन नियुक्ति हैं, किंतु सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अध्यापकों द्वारा की गई सेवा को पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान की पात्रता में गणना के लिए में लिए जाने का निर्णय लिया गया है। दर्शकों, आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, आज के वीडियो में बताएं, हम फिर आए होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।